Hi everyone, I hope you all are doing well. So guys, welcome to my YouTube channel and welcome to another super exciting episode of Jannate Kashmir Vlog 2. So दोस्तों, आपने देखा कि भाई मैं अब अश्विनी के साथ कश्मीर एक्सप्लोर कर रही हूँ. हालांकि मैं सोलो ट्रिप पर आई थी, लेकिन यहाँ पे मुझे अश्विनी मिल गई तो हमने सोचा कि भाई एक साथ इस शहर को एक्सप्लोर करते हैं. तो दोस्तों, आप लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा कि मुझे मिले जया अय्यर मैम और इनके साथ अब हम कहाँ जा रहे हैं और शाम को मैंने और अश्विनी ने क्या किया, ये सब आपको मिलेगा इस व्लॉग में. सो विदाउट एनी डिले, लेट्स स्टार्ट दिस व्लॉग. तो आप यहाँ पे श्रीनगर में रहते हो? एक्चुअली मैं हर होम पे जाती हूँ. अच्छा, यू है. तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जया अय्यर बॉर्डरलेस वर्ल्ड फाउंडेशन, जो कि एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, उनके लिए काम करती हैं. और ये ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली इनके ऑर्फनेजेस हैं पूरे जम्मू एंड कश्मीर में. तो ये उसी की यहाँ पे बात कर रही हैं. अनंतनाग इज साउथ कश्मीर. ओके. कुपवाड़ा इज नॉर्थ कश्मीर. ओके. एंड बीरवा इज डिस्ट्रिक्ट बड़गाम. ओके. दैट इज ऑन द वे ऑफ गुलमर्ग. ओके. एंड एट प्रेजेंट आई एम इन श्रीनगर. ओके. विद सम चिल्ड्रन बिकॉज दे ऑल आर सीनियर मोस्ट. वाओ. अदर होम्स दे हैव फॉर 4 years ऑनवर्ड्स टू 20 years. वंडरफुल. चिल्ड्रन. We brought up them. They all are our children. That's nice. So, दोस्तों, ये मजे होते हैं भाई सोलो ट्रेवलिंग के. जैसे हमें सफर में ऐसे कमाल के लोग मिल जाते हैं जो गाड़ी भी चला लेते हैं. गाड़ी चला लेते हैं मतलब वो भी अनजान शहर में, और ऐसे मतलब लिंक्स बन जाते हैं. और कितनी कमाल की बात है, अभी हम लोग जा रहे हैं शहर के और अंदर और we are just loving this experience. So guys, अभी हम पहुंच चुके हैं फाइनली बॉर्डरलेस वर्ल्ड फाउंडेशन. एंड ये मैम हमें वहां पे मिले और अश्विनी ने तो क्या धमाकेदार गाड़ी चलाई यार. धमाकेदार चलाई, सही बात है. मेरे को बीच-बीच में थोड़ी डर हो रहा था. इसमें मैं डर नहीं रही थी, बिकॉज़ योर हाइट इज ये फाउंडेशन है इनकी, श्रीनगर होम है. और यहाँ पे हमें बच्चियाँ मिलेंगी, गर्ल्स एंड बॉयज दोनों है यहाँ पे. बॉयज नहीं होता हमारे पास. अच्छा, सिर्फ गर्ल्स आपके पास है. अच्छा, 13 गर्ल्स हैं. दे ऑल आर स्टडीइंग 10th, 11th एंड 12th. वंडरफुल. सो आई थिंक हमें बड़ा मजा आएगा इनसे इंटरेक्ट करके. सो चलो चलते हैं आगे. यस. दिस इज आवर ऑफिस रूम, राइट? ओके. आजा मैक. हेलो. हाय, व्हाट्स योर नेम? सफिया. ओके, वंडरफुल. So, 13 बच्चे आपने बताए यहाँ पे? अभी कुछ ट्यूशन पे गए हैं. हेलो, हाय. मैनेजर नेम ली मैक. ओके, गुड. अभी 2-3 बच्चे ही हैं, आ जाएंगे अभी. ओके ओके. हाय. दे वर अ ग्रेट मसल. हां, अस्सलाम. अच्छा, ये इनके रूम्स हैं. संडे अच्छे से जाएगा. सो यू आर द फाउंडर ऑफ दिस फाउंडेशन. सो अधिक सर हैं, इनसे हम मिले हैं और ये इस फाउंडेशन के फाउंडर हैं. नहीं, मतलब स्टिल यू आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब, राइट? सो बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, और हम इनसे काफी और बातें भी करेंगे.
सो दोस्तों, अधे कदम एक इंडियन सोशल एंटरप्रेन्योर हैं और वो हैं एक पीस बिल्डिंग और पीस कीपिंग मिशन पे, जो कि कॉन्फ्लिक्टिंग जोन्स हैं जम्मू और कश्मीर के, वहाँ पे काम करते हैं और बॉर्डरलेस वर्ल्ड फाउंडेशन के को फाउंडर हैं, एक ऐसी फाउंडेशन एनजीओ जो कि काम करती है डिप्राइव्ड एंड विक्टिमाइज्ड जो लोग हैं बॉर्डर एरियाज़ के इंडिया के, उन सभी के लिए लोग काम करते हैं और जम्मू कश्मीर में इनके 5 गर्ल्स ऑर्फनेज चल रहे हैं। सबसे ऐसे बोलते हैं लोग मेहमान। ये हम लोग 97 से आए हैं। ओके। 97 से काम कर रहे हैं। तो अभी 5 ऑर्फनेजेस है, फिर एम्बुलेंस का एक इमरजेंसी मेडिकल सर्विस का प्रोजेक्ट चल रहा है, फिर बच्चों को ट्रेनिंग के लिए अलग अलग कोर्सेज में भेज देते हैं, हायर एजुकेशन में है, फिर बहुत सारे बच्चे अभी जॉब के लिए भी जा रहे हैं। अलग अलग दिल्ली में है, बैंगलोर में है, अलग अलग पढ़ाई के लिए भी अलग अलग स्टेट्स में। दूर दूर तक कोई नहीं है, सजाए काला पानी से कम नहीं है ये। हाँ जी, हाँ जी, तुम लोग खाओ। हो गया अच्छा। टैंक बनाया हुआ है, तो आज हम भी इनके साथ क्या कहते हैं आप लोग, इफ्तारी, तो हम लोग भी इफ्तारी कर रहे हैं। इसी टाइम पे फिर आपसे सारा कुछ ईद के बाद तो हमें तो ऐसा होगा कि भाई शायद टूट गया तो अब खा भी लेते हैं। नहीं नहीं, वो नहीं, एक बर्ड उसका नाम रबा भील है, वो जब पीती है ना, अब देख के मुझे मत करो, रबा भील के ना, अब भील, हाँ वही, वो जब उसको लगता है ना कोई मुझे देख रहा हो, फिर अपने पैर उनको ऐसे रखते हैं, फिर वहाँ से पानी पीते ताकि मुझे कोई ना देखे, रोजगार ना देखे। तो इसमें आप लोग फ्रूट्स और आई थिंक वो खजूर वगैरह भी खाते हो ना? गुड। So, हमने अश्विनी सोचा था कि हम लोग इस तरीके से आएंगे यहाँ पे, सब कुछ अनएक्सपेक्टेड चल रहा है। और आई थिंक उसकी वजह से ये पूरा अनएक्सपेक्टेड है, अनप्लान है, उसकी वजह से इस ट्रिप की वैल्यू और ज्यादा बढ़ जाती है, इट्स मोर इंटरेस्टिंग नाउ। सो हम लोग भाई अभी इनके साथ यहाँ पे बैठे हैं, क्या नाम बताया था आपने? राबिया है और बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, सब बच्चियां हैं यहाँ पे, तो बड़ा मजा आ रहा है, इनसे पहली बार मिले हैं और अभी हम लोग इनके साथ, इन्होंने रोजा खोला है अपना और इफ्तार हम लोग कर रहे हैं, और कितनी कमाल की बात है, मतलब बिल्कुल नहीं सोचा था, सुबह जब हम आए थे हमने बिल्कुल नहीं ऐसा सोचा था कि, हमने तो सोचा कि डल लेक जाएंगे और जगह घूमेंगे, पर ये प्लान में नहीं था। और मुझे लगता है जो चीजें अनप्लान्ड होती है ना अश्विनी, वो सबसे कमाल होती है। एब्सोल्युटली, या आई एम जस्ट लविंग दिस। और देखते हैं भाई कश्मीर के लिए और कश्मीर ने हमारे लिए क्या क्या खजाने रखे हुए हैं। बहुत सारे खजाने हैं जी, तो हम लोग 3-4 दिन बहुत ही मजे करने वाले हैं। So guys, अभी it's time to go back to our hostel. Not exactly hostel, अभी मैं और अश्विनी तो थोड़ा नाइट लाइफ एक्सप्लोर करेंगे और फिर खाएंगे पियेंगे, लेकिन अभी हम यहाँ से जा रहे हैं जो हमारा बॉर्डरलेस वर्ल्ड फाउंडेशन है, वहां पर हम लोग आए थे। और ये देखो इतनी प्यारी प्यारी सुंदर बच्चियां हैं, और इनके इनसे मिलके बहुत अच्छा लगा, और अगेन उषा मैम के साथ, तो इट वॉज जय मैम के साथ। जया मैम के साथ तो मिलके बहुत मजा आया, एंड हमने काफी डिस्कशन की, मतलब सोचा नहीं था कभी ऐसे कश्मीर में आके इस तरीके से इनसे मुलाकात होगी। तो ये देखो अभी क्या प्लान्स हैं तुम लोगों के?
डिनर का समय है ठीक है चलो सो फिर बहुत जल्दी हम लोग कुछ प्लान करते हैं, अभी अब संडे का कुछ हम प्लान कर रहे हैं, सो आप लोगों से हम लोग फिर मिलते हैं, बाय बाय कर दो तब तक ऑडियंस। सो एनजीओ होम से निकलने के बाद मैंने और अश्विनी ने पकड़ी अपनी स्कूटी और हमने सोचा हम करेंगे कश्मीर की नाइट लाइफ एक्सप्लोर। सो भाई आपको पता है जैसे हम लोग श्रीनगर की नाइट लाइफ हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं और अभी हम लोग क्या कहते हैं डल लेक के आसपास जा रहे हैं और ठंड भी बहुत लग रही है तो सोच रहे हैं कि चाय पी लें और कुछ खा भी लेंगे और आसपास की खूबसूरती भी देखेंगे। हाँ जी अश्विनी क्या कहना है तुम्हारा? थोड़ा स्टार गेजिंग भी एग्जैक्टली बहुत जरूरी है। सो विदाउट एनी डिले हम जा रहे हैं डल लेक के पास। टडा लाइफ देख रहे हैं कश्मीर की। वाओ सो अभी 9 बज चुके हैं शाम के और काफी चहल पहल है मार्केट में और अभी हम लोग दोबारा हॉस्टल जाएंगे और फिर हम थोड़ा सा देख के आएंगे कि आसपास क्या चीजें हैं। सब कश्मीर की गलियों में मैं और अश्विनी घूम रहे हैं। अब तो पूरी बैंड बज रही है मेरी ठंड की वजह से। सो गाइस ये है डल लेक रात को। जब जब कश्मीर में आए हैं और डल लेक के बारे में हम जब जब सोच रहे हैं ना तो एक गाना है जो मेरे और अश्विनी के जहन में बार बार आ रहा है और वो है ये चांद सा रोशन चेहरा जुल्फों का रंग सुनहरा। ये काफी टाइम से ये गाना हमारे माइंड में आ रहा था कि भाई मतलब कितना सुंदर है उस टाइम पे ये गाना शूट हुआ है और अभी हम लोग एक्सपीरियंस करेंगे वो लोकेशन। So, बहुत मजे आने वाले हैं और ठंड के मारे बैंड भी बज रही है। हम स्कूटी पे हैं और हमने हेड कवर नहीं किया। प्लीज अगर आप इस वेदर में आते हैं तो जरूर कुछ ऐसा अपना स्टफ लेके आओ और हमें बहुत ज्यादा ठंड लग रही है तो हम लोगों ने अभी जैकेट्स पहन लिए और कोल्ड है ठंड है यहाँ पे। सो दोस्तों अगर तो आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आपके लिए बहुत सारे ऑप्शन हैं कश्मीर में, लेकिन अगर आप हमारी तरह वेजिटेरियन हैं तो आपको स्पेशली रेस्टोरेंट्स वगैरह ढूंढने पड़ेंगे। तो फाइनली मुझे और अश्विनी को ये रेस्टोरेंट किसी ने सजेस्ट किया था, अब हम लोग यहाँ पे आए हैं डिनर के लिए। सो फाइनली बहुत ज़्यादा ट्रेवल करने के बाद हमें ये दिल्ली रसोई समवन सजेस्टेड अस एंड फाइनली वी आर हियर। सो अभी हम लोग खाना ऑर्डर करेंगे एंड लेट्स सी कि क्या कुछ है यहाँ पे। अश्विनी अंदर बैठे क्या? अंदर बैठो। क्या ऑर्डर करें? क्या उनको क्या बोल रहे थे कि क्या करने के लिए? वो सिंगल मटर। अच्छा सो फाइनली फूड इज हियर और हम लोग इतनी दूर आके भी हम पंजाबी ताली खा रहे हैं अनाश्वरी बट अभी कुछ ज़्यादा कल खाएंगे कश्मीर का ऑथेंटिक वाला कल। एग्जैक्टली सो अभी इस पे टूट पड़ते हैं हम लोग विदाउट एनी डिले। तो दोस्तों इस तरह का रहा मेरा कश्मीर में पहला दिन। बाग कमाल, इतनी खूबसूरत बातचीत इन बच्चियों के साथ और इतना प्यार इन सब से मिला और उसके बाद मैंने और अश्विनी ने जो नाइट लाइफ एक्सप्लोर की, मतलब मेरे पास शब्द नहीं है मेरे एक्सपीरियंस को बयां करने के लिए। तो दोस्तों कल हम जाएंगे अपने एक नए सफ़र पे और अगले व्लॉग में आप लोग देखोगे कि कैसे मैंने अपनी बकेट लिस्ट में से एक ख़ास चीज़ को टिक किया। हेलो। और इसके साथ ही अगले ब्लॉग में मैं बताऊंगी कि मैं और अश्विनी ऐसी कौन सी जगह गए जहां से हमें दिखता है सारा का सारा श्रीनगर शहर। सो ये सब जानने के लिए आपको अगले ब्लॉग का इंतज़ार करना पड़ेगा। तो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग। सो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट ब्लॉग ऑफ
जनते कश्मीर। बोल दो सभी को कि मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करेंगे। चैनल सब्सक्राइब करेंगे।